हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी जो प्रैक्टिस है हम कर चुके हैं और अभी बहुत सारी प्रैक्टिस जो है अभी करनी बाकी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट में है एयर एक्सपोर्ट वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, एयर एक्सपोर्ट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली ओवर द पास्ट डिकेड, सब्सटेंशियली ओवर ए पास्ट डिकेड कॉजिंग बैकलॉग and difficulties for air cargo experts. एयर कार्गो एक्सपर्ट्स because of increased demand for space and service. service. SBIPO 2009 में सवाल पूछा गया ये। ठीक है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है एयरलाइंस एंड एयर कार्गो एजेंट्स should jointly work out a solution to combat the problem. Second, the reasons for increase in the volume of air export
ऑफ एयर एक्सपोर्ट शुड बी फाइंड आउट ऑप्शन ए इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन बी इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, सी नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, डी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ये देख के रखा है SBI PO 2009 में ये सवाल पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है एयर एक्सपोर्ट वॉल्यूम, एयर एक्सपोर्ट मतलब हवा को निर्यात नहीं करना है, हवा के थ्रू यानी कि हवाई जहाज से निर्यात। एयर एक्सपोर्ट का मतलब है हवाई जहाज से निर्यात, है ना। जैसे आप कोई चीज़ ट्रक से भेजते हो, बस से भेजते हो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही जहाज़ से भेजते हो, है ना, शिप से भेजते हो, वैसे ही एयर एरोप्लेन से, है ना, एरोप्लेन से किसी सामान को बाहर भेजना एयर एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो एयर एक्सपोर्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या है, मात्रा, है ना, वॉल्यूम का मतलब घन वगैरह से मत समझ लेना। तो एयर एक्सपोर्ट वॉल्यूम यानी कि हवाई निर्यात की मात्रा इज इंक्रीज, बढ़ गई है सब्सटेंशियली, है ना। अगर पिछले से कंपेयर करें तो ओवर ए पास्ट डिकेड यानी कि पिछले दशक से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है, कॉजिंग बैकलॉग एंड डिफ़िकल्टीज। ठीक है, बैकलॉग यानी कि पेंडिंग रह गया बहुत ज़्यादा, है ना, डिफ़िकल्टीज मतलब मुसीबतें फॉर एयर कार्गो एजेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर स्पेस एंड सर्विसेज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पिछले दशक की तुलना में जो एयर एक्सपोर्ट है, हवाई एक्सपोर्ट है, वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो हमारे एयर कार्गो एजेंट हैं, है ना जो एयर कार्गो मतलब जहाँ सामान, जिसमें सामान भेजा जाता है, तो उसको भेजने वाले लोग एयर कार्गो एजेंट। ठीक है, एयर कार्गो एजेंट किसका काम सामना कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत मुसीबतों का और पेंडेंसी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिमांड है, ठीक है, कि स्पेस और सर्विस के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामान भेजो हमारा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपकी सर्विस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना है, तो इस वजह से जो एयर कार्गो एजेंट है ना, वो हो गया परेशान। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा जो तीन कैटेगरी को फॉलो करेगा। तीन कैटेगरी कौन सी हैं? अगर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को रिड्यूज या सॉल्व करता है, ठीक है, या कोर्स ऑफ एक्शन एक बैलेंस सॉल्यूशन देता है, बैलेंस सॉल्यूशन देता है, ठीक है, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या करता है, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, तो वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि एयरलाइंस एंड एयर कार्गो एजेंट। ठीक है, एयरलाइंस मतलब जो हवाई यात्रा कराने वाली कंपनियां हैं, एयर कार्गो एजेंट मतलब जो हवाई, है ना, सामान को एरोप्लेन के थ्रू जो बाहर भेजने वाले एयर कार्गो, ठीक है, जिनमें सामान भर के जाता है उनको एक एरोप्लेन भेजा बोला जाता है। ठीक है, है ना, और एयरलाइंस जो नागरिकों को इधर से उधर करती हैं। तो कह रहे हैं भाई एयरलाइंस और एयर कार्गो एजेंट हैं, इनको शुड जॉइंटली वर्कआउट इनको साथ में काम करना चाहिए। ठीक है, वर्कआउट ए सॉल्यूशन टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम, यानी कि एयरलाइंस और एयर कार्गो वालों को ना साथ में बैठ के काम करना चाहिए, है ना, साथ में काम करना चाहिए ताकि जो ये प्रॉब्लम है ना, इससे निपटा जा सके। ठीक है, तो क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है? ठीक है, इससे जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस या सॉल्व होगी? जी हाँ,
प्रॉब्लम को रेडी या सॉल्व करेगा अगर दोनों मिलके काम करने लगे। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन देता है क्या? किसकी किसी का घाटा होता है इसमें? नहीं, किसी का घाटा नहीं होता है। ठीक है, एयर कार्गो एजेंट और एयरलाइंस को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और जो लोग हैं उनको क्या कर मिलेगा? उनकी जो सर्विसेज हैं वो फुलफिल होंगी, तो बैलेंस सॉल्यूशन है। इसकी वजह से नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी कोई? नहीं, इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी कि तीनों पैरामीटर को हिट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन, द रीजन फॉर द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपोर्ट शुड बी फाइंड आउट। ठीक है, अब रीजन मतलब कारण। ठीक है, द रीजन फॉर द इंक्रीज, है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, है ना, मात्रा का बढ़ना, ऑफ एयर एक्सपोर्ट शुड बी फाइंड आउट। यानी कि जो एयर एक्सपोर्ट के जो बढ़ने का कारण है ना, उसको पता करना चाहिए। ठीक है, पता करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, पता कर लिया फिर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है भाई? कि जो जो डिमांड बढ़ रही है ना, इसको कैसे टैकल किया जाए, है ना। तो अगर आपको ये फाइंड आउट ही करना था, तो ये फाइंड आउट करते ना कि भाई कैसे डिमांड को मीट किया जाए। ठीक है, ना कि ये कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो मसला है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि भाई जो डिमांड बढ़ रही है इसको टैकल कैसे किया जाए। ठीक है, तो डिमांड कैसे बढ़ रही है, डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाए, ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता कि पता करो डिमांड कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कोई सॉल्यूशन है ना, ना तो सॉल्यूशन को सॉरी ना तो प्रॉब्लम को रिड्यूस करने वाला है, ना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो गलत। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन न्यू प्रॉब्लम नहीं देगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि एक गलत हो गया है तो, है ना, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? इफ़ ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू मैनी पार्ट ऑफ टाउन। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू मैनी पार्ट ऑफ टाउन हैज बीन डिसरप्टेड ड्यू टू loss of water because of leakage in pipeline
सप्लाइंग वाटर, पाइप सप्लाइंग वाटर बिकॉज ऑफ, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ लीकेज, लीकेज इन बिकॉज ऑफ लीकेज इन पाइप सप्लाइंग वाटर, पाइप सप्लाइंग वाटर, पाइप सप्लाइंग वाटर, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है आंध्रा बैंक पीओ, आंध्रा बैंक पीओ 2009 में, 2009 में, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इसके लिए, कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द मैटर, गवर्नमेंट शुड ऑर्डर, द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर इंक्वायरी इनटू दिस मैटर, इनटू दिस मैटर, इनटू दिस मैटर, इनटू दिस मैटर। सेकंड, सेकंड क्या था, द सिविक बॉडी, द सिविक बॉडी शुड सेटअप, शुड सेटअप, शुड सेटअप ए फैक्ट फाइंडिंग टीम, एक फैक्ट, ए फैक्ट फाइंडिंग टीम, ए फैक्ट फाइंडिंग टीम, टीम टू एक्सेस द डैमेज, टू एक्सेस, टू एक्सेस द डैमेज, एक्सेस द डैमेज एंड टेक इफेक्टिव स्टेप, एंड टेक इफेक्टिव स्टेप, एंड टेक इफेक्टिव, टेक इफेक्टिव स्टेप्स, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन सी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आंध्रा बैंक 2009 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट कहता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है, जो पीने का पानी होता है उसकी सप्लाई है ना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू मैनी पार्ट ऑफ टाउन, है ना, बहुत सारे हिस्सों में, टाउन के बहुत सारे हिस्सों में हैज बीन डिसरप्टेड, यानी कि रुक गई ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ लीकेज इन पाइप सप्लाइंग वाटर, यानी कि
और ये लॉस ऑफ वाटर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लीकेज इन पाइप, है ना, पाइप में लीकेज की वजह से, है ना, जो पानी सप्लाई कर रहा था। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, पीने का पानी, उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, वो रुक गई बहुत सारे टाउन्स में, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी हो गई, है ना। पानी की कमी क्यों हो गई? क्योंकि जो पाइप जिससे पानी सप्लाई हो रहा था उसमें लीकेज हो गया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानेंगे हम। अब अपने कोर्स ऑफ एक्शन इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर इंक्वायरी इनटू दिस मैटर, गवर्नमेंट शुड ऑर्डर इंक्वायरी इनटू दिस मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन को करने से पहले हम तीन पैरामीटर लिखेंगे जिन पर अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही बैठता है, फिट बैठता है, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ठीक होगा, अदरवाइज कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को रिड्यूज या सॉल्व करता है, रिड्यूज स्लैश सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन किसी, है ना, किसी प्रॉब्लम की क्या करता है, क्या एक बैलेंस सॉल्यूशन देता है, बैलेंस्ड सॉल्यूशन देता है, ठीक है। यदि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो जाए, ठीक है, यानी कि कोई नई प्रॉब्लम पैदा ना हो जाए, तो वो कोर्स, जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही होता है, न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तीन, चलिए, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला, द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर इंक्वायरी इनटू दिस मैटर, गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, आप एक इंक्वायरी करनी चाहिए, ऑर्डर किस मैटर में, इस मैटर में, पाइप फटने वाले मैटर में, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड ऑर्डर इंक्वायरी इनटू दिस मैटर, क्या इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है, इंक्वायरी से, ठीक है, नहीं, प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगी इससे, ठीक है। और लीकेज क्या है, इंक्वायरी तब होगी ना जब कोई ह्यूमन मिस्टेक होगी, ऐसा हो सकता है ना, लीकेज की वजह कोई ह्यूमन मिस्टेक ना हो, कुछ अदर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, ठीक है। बैलेंस्ड सॉल्यूशन, फ़र्क ही नहीं पड़ता बैलेंस सॉल्यूशन देता है या नहीं देता है, क्योंकि ये बेसलेस है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, तो तीनों ही गलत मानो, ठीक है। और जब गलत हैं तीनों, यानी कि एक भी गलत होता है, तो क्या होता है, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो गलत होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द सिविक बॉडी शुड सेट अप ए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टू असेस द डैमेज एंड टेक इफेक्टिव स्टेप, ठीक है। यानी कि जो हमारी सिविक बॉडी है, है ना, जो लोकल बॉडी है, उसको क्या करना चाहिए, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन करना चाहिए, है ना, कि जो सच्चाई का पता लगाए, है ना, और क्या करे कि नुकसान की का पूरा एक, है ना, अंदाज़ा लगाए कि कितना नुकसान हुआ है, और इफेक्टिव स्टेक, मतलब स्टेप ले इस लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होने वाली है? हाँ जी, बिल्कुल, इफेक्टिव स्टेप लिए जाएंगे कि, है ना, कैसे लीकेज को रोका जाए, है ना, डैमेज को एक्सेस किया जाएगा, तो बिल्कुल, है ना, रिड्यूस होगी प्रॉब्लम, ठीक है। क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन देगा? है ना, बिल्कुल, किसी को अननेसेसरी परेशानी नहीं किया जा रहा है, सिंपल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या करेगी, डैमेज का अंदाज़ा लगाई कितना डैमेज हुआ है और स्टेप लेगी, बैलेंस है, इसकी वजह से नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, नहीं, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी कि तीनों सही हैं, तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सेकेंड वाला राइट होगा, यानी कि पहला गलत है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा सही है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये हो गया, चलो नोट कर लो इसे,
चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द लोकल स्कूल, ए नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस इन लोकल स्कूल्स, लोकल स्कूल्स हैव फॉलन इल आफ्टर the consumption of their subsidized tiffin provided by school authority. provided by school authority. ये पूछा गया है PNBPO 2011 में। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि टिफिन फैसिलिटी ऑफ ऑल द स्कूल्स should be discontinued discontinued with immediate effect effect second the government should implement a system system to certify the quality of tiffin
फाइव द क्वालिटी ऑफ टिफिन, सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ टिफिन प्रोवाइडेड बाई द स्कूल, प्रोवाइडेड बाई द स्कूल स्कूल ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन सी नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, डी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएनबी पीओ 2011 में। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहती है, इन नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस इन ए लोकल स्कूल, है ना, मतलब स्कूल चिल्ड्रन स्कूल जाने वाले बच्चों का एक संख्या जो कि लोकल स्कूल में जाते हैं, हैव फॉलन इल यानी कि बीमार पड़ गए आफ्टर कंजम्पशन, खाना खाने के बाद, खाने के बाद क्या सब्सिडाइज टिफिन यानी कि जो सब्सिडी पे टिफिन मिलता है ना उसको, प्रोवाइडेड बाई स्कूल अथॉरिटी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला सस्ता खाना खाने के बाद क्या हुआ, बीमार पड़ गए। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा जो तीन पैरामीटर को हिट करेगा, और वो तीन पैरामीटर कौन से हैं जिनको हिट करेगा, सबसे पहला है रिड्यूस सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करता है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तो वो सही होगा, अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है तो वो सही होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम अपना पहला कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि भाई टिफिन फैसिलिटी ऑफ ऑल द स्कूल्स शुड बी डिसकंटिन्यूड विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि इनका कहने का मतलब है जो टिफिन फैसिलिटी है, टिफिन फैसिलिटी है जो स्कूलों में जो दी जाती है टिफिन फैसिलिटी, उसको बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से। तो क्या ये प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व कर देगा, जो गरीब बच्चे सब्सिडाइज खाना कौन खाता है, जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों की जो प्रॉब्लम है रिड्यूस होने की वजह सॉल्व होने की वजह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नहीं, गलत। ठीक है, पहला गलत हो गया तो फिर ऑब्वियस ही बात है हमें बाकी कोई काउंट करने की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड है ना, बैलेंस सॉल्यूशन भी वैसे प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, गलती स्कूल की या खाने की, सज़ा किसको मिल रही है, बाकी बच्चों को, सारे स्कूल के बच्चों को, यानी कि गलती एक या फिर गलती एक स्कूल की, सज़ा किसको मिल रही है, सारे बच्चों को, गलत। ठीक है, नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, शायद ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दो गलत हैं तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत हो जाएगा। जो कोर्स सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है कि द गवर्नमेंट शुड बी इम्प्लीमेंट ए सिस्टम टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ टिफिन प्रोवाइडेड बाई द स्कूल, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना उसको एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना, जो सर्टिफाई करे क्वालिटी ऑफ टिफिन प्रोवाइडेड बाई द स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे जो स्कूल द्वारा दिया जाने वाला टिफ़िन है उसकी क्वालिटी का चेक किया जा सके, अगर खाना अच्छा क्वालिटी का है तभी बच्चों को सर्व किया जाना चाहिए। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूज होगी, बिल्कुल रिड्यूज होगी, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और बैलेंस सॉल्यूशन है, बिल्कुल बैलेंस सॉल्यूशन है, स्कूल को भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, बच्चों को भी अच्छा खाना मिलेगा, नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी इससे, नहीं, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने जा रही, तो यानी कि तीनों सही हैं तो ये ठीक होगा, पहला गलत है दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी ओनली बी फॉलोज। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।